हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल का रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और कब कब यूज़ किया जाता है। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल केसर चंदन, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये क्लेम करता है पिंपल्स को मिटाने के लिए, रिंकल्स को मिटाने के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए। इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये 120 रुपीज़ का, 150 ml का इसका क्वान्टिटी है और 120 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है घृत कुमारी, स्वरस, केसर और सफ़ेद चंदन। तो ये तीन चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, जो कि पूरी तरीके से नेचुरल हैं। और बेस मटेरियल की बात करेंगे तो विटामिन ई, परमिटेड फूड ग्रेड कलर और साथ में इसमें है सुगंधित द्रव्य। तो अब बारी आती है इसको यूज़ करने की, कि किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल लेने से पहले फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। फेस पर किसी भी तरीके का मेकअप ना हो, मेकअप को अच्छे से रिमूव कर लें और उसके बाद फेस को ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद फिंगर में थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जितना मैं फिंगर में ले रही हूँ उतना ही सफिशियंट है पूरे फेस के लिए। और सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि जो जेल है वो अच्छे से फेस पर एब्जॉर्ब हो जाए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए। अब मैं इसे पूरी रात फेस पर छोड़ने वाली हूँ और सुबह उठते ही मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। फेस को वॉश करने के बाद टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपको खुद ही रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि आपको इसको यूज़ करने के बाद कैसा फील हो रहा है। सो गाइज, ये था एक तरीका अप्लाई करने का। और मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। जब भी आप नहाने जाते हो तो नहाने से आधे घंटे पहले आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि ये आपके फेस पर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। तो वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कब टाइम है। दिन में टाइम है तो आप दिन में यूज़ कीजिएगा, अगर आपको नाइट में टाइम है तो आप नाइट में यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊंगी तो प्लीज़ आप लोग इसे नाइट में ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि नाइट में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और मैं इसे पिछले 1 महीने से लगातार यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप इसे 1 वीक भी यूज़ करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज, जिन भी लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप इस एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके पिगमेंटेशन और पिंपल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। और आप जब इसे खुद यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी 5 डेज़ में। आप हर टाइप की स्किन पे इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो। ऑयली स्किन में मोस्टली पिंपल्स हो जाते हैं, तो ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आपके जितने भी पिंपल्स होंगे इनको रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। और गैस, कुछ लोगों की स्किन होती है फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप अगर धूप में निकल रहे हो तो एकदम से आपकी स्किन एकदम रेड हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी ये वाला जेल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप यूज़ कीजिए जिनको भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। सो गाइज, मुझे पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं जब भी धूप में निकलती हूँ तो मेरा फेस एकदम से बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो मैं एलोवेरा जेल को पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो इसके रिज़ल्ट मुझे 5 डेज़ में ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। ये मैं एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन को पूरे दिन ये हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। तो गाइज, ये था मेरा पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का रिव्यू। तो होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको जो भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।